हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज पूजा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप इजी और सिंपल तरीके से अपने स्किन से डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन जैसी मेन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आज के वीडियो में एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन आपके साथ फॉलो करूंगी। अगर ये स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करते हो, जैसा मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली जितना भी अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है या फिर अनइवन स्किन है, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिले। वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे इसी तरह की ढेर सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज गाइज लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 स्टेप्स, जिसमें हम यूज करेंगे फेस वॉश, सेकंड हम यूज करेंगे फेस सीरम, एंड लास्ट में हम यूज करेंगे सनस्क्रीन। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है द डर्मा को 1% कोजिक एसिड फेस वॉश, और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है द डर्मा को 2% कोजिक एसिड फेस सीरम, एंड द जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है द डर्मा को 1% हाइड्रोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। तीनों प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी, और इन तीनों ही प्रोडक्ट को यूज करके बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप अपने स्किन से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन प्रॉब्लम को दूर कर सकते। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस लिंक मिल जाएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड जो है Glamour 2024, और आपको उससे मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कूपन कोड भी है एंड परचेज लिंक भी मेंशन है। तो गाइस, अगर आपको खरीदना हो तो वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। एंड ऑल द डर्माको प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन डर्माको वेबसाइट, नाइका, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, एंड ऑल द डर्माको प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री। द डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट दिस ईयर विद देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलोंग विद भूमि। चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं इस 1% कोजिक एसिड फेस वॉश को। दिस फेस वॉश इज वेरी गुड फॉर योर डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। ये फेस वॉश बहुत ही ज्यादा जेंटल है, तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट भी नहीं करे। एंड दिस फेस वॉश हेल्प्स टू रिड्यूस डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन एंड मेक्स स्किन क्लियर। ये आपकी स्किन को क्लियर भी करता है और आपकी स्किन को डीप क्लीनिंग भी करता है। एंड इट हैज अमेजिंग नॉन ड्राइंग फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी सुपर जेंटल ऑन योर स्किन। इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन ड्राइंग है, उस वजह से क्या है, ये स्किन पे ना जेंटल रहता है, आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अंदर कोजिक एसिड है, इसके अंदर है अल्फा आर्बुटिन। कोजिक एसिड क्या करेगा, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें लाइट करने में हेल्प करेगा, आपके मिलाजमा जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करेगा, और अगर आपके स्कार्स हैं, दाग धब्बे हैं, उन्हें भी कम करने में हेल्प करेगा। के साथ ही इसमें जो अल्फा आर्बुटिन है वो करेगा, कंट्रोल करेगा आपके स्किन से मिलानिन प्रोडक्शन को। उसके साथ ही आपकी स्किन को इवन टोन रखेगा। फेस वॉश आप देखोगे अंदर से एक व्हाइट कलर की थिक सी कंसिस्टेंसी आती है, जो बहुत ही ज्यादा जेंटल तरीके से आपकी स्किन पे वर्क करती है। तो आपको इस फेस वॉश को डेली यूज करना है अपने मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन में। सो यू हैव टू टेक सम अमाउंट ऑन योर पाम, देन उसको वेट फेस पे आपको मसाज करना है इन सर्कुलर मोशन टिल 20 to 30 सेकेंड। उसके बाद आपको साफ पानी से वॉश कर लेना है। देन आफ्टर यूज दिस फेस वॉश, स्किन बिल्कुल भी ना ओवर ड्राई नहीं होता है, स्किन सॉफ्ट भी रहता है, ग्लो रहता है। डेली यूज करने से आपको स्किन में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट है वो हम यूज करेंगे द डर्मा को 2% कोजिक एसिड फेस सीरम। दिस फेस सीरम इज वेरी वेरी लाइट वेट एंड वाटर काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, जो आपकी स्किन में फास्ट एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके साथ ही स्किन में डीपली जाती है और आपकी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को, डार्क स्पॉट्स जैसी प्रॉब्लम को एंड ब्लेमिशेस जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है। इसके अंदर जो 1% अल्फा आर्बुटिन है वो कंट्रोल करेगा आपके मिलानिन प्रोडक्शन को। वो जिसकी स्किन में जो पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो मिलानिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ये फेस वॉश एंड फेस सीरम को यूज कर सकते हो डेली बेसिस। दिस फेस सीरम हेल्प्स टू ट्रीट योर डार्क स्पॉट्स ऑल्सो, पिगमेंटेशन ऑल्सो, ब्लेमिशेस ऑल्सो, और ये आपकी स्किन को इवन टोन करने में हेल्प करेगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल वाटर जैसी लगती है। तो अगर आप समर्स में भी यूज करते हो, अगर आपका स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो कोई भी चिपचिपा जैसा फीलिंग आपको नहीं आती है, और आफ्टर अप्लाई आपको एक स्लाइटली सा ग्लो भी देखने को मिलता है। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप इस फेस सीरम के बाद एक अपना मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो जो आपकी स्किन पे सूट करता हो। एंड इस फेस सीरम के अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये फ्रेग्रेंस फ्री है और आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपकी स्किन में डिसकलरेशन जैसी प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि आपका इतना एरिया थोड़ा सा डार्क है या फिर इतना एरिया साफ है, फिर इतना एरिया थोड़ा सा और डार्क है, तो ये डिसकलरेशन होता है। तो ये फेस सीरम अगर आप यूज करते हो तो आपका स्किन इवन टोन हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, और आपका स्किन अच्छे से ट्रीट होता है डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम के लिए, और इवन
इवन स्कार्स के लिए। स्कार्स कोई भी हो सकते हैं, आपके दाग धब्बे हो सकते हैं या पिंपल्स के जो मार्क्स हो जाते हैं वो भी हो सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट में जो यूज करेंगे वो करेंगे द डर्माको 1% हाइड्रोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। इट हैज SPF 50 PA 4 प्लस है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और आपको किसी भी तरह का व्हाइट कास्ट भी देखने को नहीं मिलता है। ये सनस्क्रीन मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज ये ना वाटर की तरह डिजोल्व हो जाता है और आफ्टर एप्लीकेशन आपका स्किन ना बिल्कुल सॉफ्ट रहता है बटर की तरह। और आपको गर्मी में अप्लाई कर लीजिए या फिर विंटर में अप्लाई कीजिए, आपका स्किन बिल्कुल भी चिपचिपा भी नहीं होता है। इस सनस्क्रीन का जो फॉर्मूला है सुपर लाइट वेट है एंड ये भी फ्रेग्रेंस फ्री है और आपकी स्किन में वाटर की तरह डिजोल्व हो जाता है। एंड दिस सनस्क्रीन हेल्प्स टू फाइट सन डैमेज, आपको सन में स्किन डैमेज होने से बचाएगा और ये सनस्क्रीन आपको फाइन लाइन्स और रिंकल से भी छुटकारा दिलाएगा। सनस्क्रीन लगाना गाइस इसलिए जरूरी होता है बिकॉज हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमने कोजिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज किया है स्किन में, उसके बाद डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना हमारे लिए मस्ट है। तो सनस्क्रीन को तो आप डेफिनेटली मत स्किप कीजिए, अदरवाइज जो आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं वो आपके स्किन पे वर्क ही नहीं करेंगे। आप सीरम के बाद कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट, नहीं तो सिर्फ फेस वॉश सीरम एंड सनस्क्रीन आप डेली यूज कीजिए, फिर आप धीरे धीरे उसमें रिजल्ट देखेंगे। जब नाइट का स्किन केयर रूटीन रहेगा तो नॉर्मली आपको सनस्क्रीन को अवॉइड कर लेना है, उसकी जगह आप अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो। तो सनस्क्रीन में आपको कुछ अमाउंट लेना है अपने पाम में, देन यू हैव टू अप्लाई ऑल ओवर योर फेस एंड नेक, अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इवन आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हो एवरी 2 to 3 आवर और ये आपको बिल्कुल भी चिपचिपा जैसी फीलिंग नहीं देता है जो मोस्ट ऑफ द अच्छी अच्छी सनस्क्रीन आपको देती होंगी। सनस्क्रीन को हम बाहर जाने से 15 से 20 मिनट पहले लगाते हैं, बट अगर आप घर पे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ घर पे बैठे हैं, तो तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सनस्क्रीन इज वन ऑफ द मेन जो स्टेप होता है स्किन केयर रूटीन का होता है, जो कभी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। ये था एक सिंपल सा इजी स्किन केयर रूटीन जो आप डेली यूज कर सकते हो अपने AM एंड PM स्किन केयर। ये था एक सिंपल सा इजी स्किन केयर रूटीन, आप डेली यूज कीजिए तभी आपको एक विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम, ब्लेमिशेस जैसी प्रॉब्लम, मिलालिन जैसा इशू एंड इसके साथ ही ब्लेमिशेस, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं स्किन के जो हर किसी में आपको देखने को मिल जाते हैं। आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं और कहीं ना कहीं आपको जो एंड ऑफ द रिजल्ट है ना वो अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी ये स्किन केयर रूटीन डेफिनेटली फॉलो कीजिए, जैसा मैंने आपको वीडियो में समझाया है। डेफिनेटली आपको स्किन में आपको सुधार दिखेगा, आपको कुछ दाग धब्बे हैं वो भी धीरे धीरे दूर होते नजर आए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गाइस सब प्रोडक्ट के परचेज लिंक डाल दी है, इवन मेरा कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी यूज करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अच्छे से कंटेंट के साथ एंड लॉट ऑफ स्किन केयर एंड मेकअप वीडियोस के साथ। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।